भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी का निधन का जो समाचार प्राप्त हुआ, शायद यह कुछ खुशी की। देश की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर का आज सुबह निधन हो गया, जिसके बाद देश में शोक की लहर है। बता दें कि इस दुखद खबर को सुनने के बाद तमाम नेता और फिल्म जगत के लोगों का सुबह से ही श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ है। वहीं आज पटना में वेद विद्यालय प्रांगण में हवन और कैंडल जलाकर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी तमाम यादें को कैंडल जलाकर और हवन कर उन्हें याद किया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए यह हवन पूजा किया गया है। वेद विद्यालय में मंत्र उच्चारण के साथ उनकी आत्मा की शांति की दुआ भी मांगी गई। लोगों ने कहा कि उनकी गायकी का अंदाज मनमोहक कर देती थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज हम लोगों के बीच नहीं रही। मालूम हो कि लता मंगेशकर आज मुंबई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसको लेकर पटना के वेद विद्यालय में हवन किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर शोक जताया गया। कैमरा का मत हवन वाला लेना यार, हमने कर लेंगे। भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी का निधन का जो समाचार प्राप्त हुआ, शायद यह कुछ खुशी की खबर आती है, लेकिन जिस तरीके से उनका दुखद समाचार प्राप्त हुआ, शायद यह गलत होता। लता मंगेशकर जी का देहांत पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मृत आत्मा की शांति के लिए हम लोग हवन पूजन कर रहे हैं। हे प्रभु, लता मंगेशकर जी जहां भी हों, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो।